अब 5G से हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, और हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से आगे सोच रही है। हम लगातार बैठ के कर रहे हैं, हमने 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे जिसका 5G में आने वाले समय में बहुत उपयोग होने वाला है। हेल्थ के क्षेत्र में जाए तो 5G एक क्रांति साबित होगा। जो कैंसर आपका, जिसको हम बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका पता हमें इस टेक्नोलॉजी से समय पर पता लग जाएगा, क्योंकि उस तरह के इक्विपमेंट बनने मेडिकल। और जो डॉक्टर है, अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है तो वो 16 घंटे भी सुबह तक ड्यूटी दे रहा होता है। हम डॉक्टर और पेशेंट का रेशो डॉक्टर का कितना रखना है, उस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रहे हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड होगी, और बिना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के अपग्रेड नहीं हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी में हम जाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी स्कैन, पैट स्कैन, सब चीजों में हम जाना चाहते हैं। जो टेस्ट की रिपोर्ट आज आपकी 24 घंटे में आती है, कई रिपोर्ट्स 48 घंटे में आती है, इस सारी टेक्नोलॉजी 5G के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स में लाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं हो रहा है, इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीजें अभी बाहर नहीं आ रही, वो बाहर आएगी जिस दिन हमारा बजट आएगा। बजट में हमारी पूरी हम व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लेके आ रहे हैं। एजुकेशन में अब एजुकेशन वो नहीं रह गई है, ये दूसरा हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है। एजुकेशन में हम महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और एक क्लस्टर योजना तो एक नमूना है। अभी पिछले 2 दिन पहले जितने हमारे गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, चाहे वो आईटीआई है, पिछले कल ही हमने फैसला किया कि उसमें जो पुराने कोर्स है उनको बंद कर दिया जाए, और भविष्य की चुनौतियों के जो कोर्स है वो इस एकेडमिक सेशन से शुरू होने जाए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, हम डेटा साइंस पर, हम मशीन लर्निंग पर, हम IoT पर, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर हम अगला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगली एडमिशन उन कोर्सेज में होगी ताकि भविष्य में हमारे लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए हमने कल ही 20 करोड़ रुपया सैंक्शन किया कि नए कोर्स शुरू करने हैं। जितना भी एजुकेशन में सुधार होगा, जैसे शिक्षा का मॉडल इन्होंने दिखाया, वैसे ही उससे भी अच्छी स्मार्ट क्लासेस हम बनाने जा रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध करेगा कि CSR के तहत टेक्नोलॉजी थोड़ी हमें उपलब्ध करवाए और कुछ धन भी आप उपलब्ध करवाएंगे।